एमपी के दमोह जिले के जवीरा जनपद अंतर्गत आने वाले चंडी चौपरा गांव में एक पिता ने पुत्र की सड़क हादसे में मौत हो जाने के बाद तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा के लिहाज से निशुल्क हेलमेट पहनाए। दरअसल चंडी चौपरा के रहने वाले दौलत सिंह लोधी के पुत्र संकेत सिंह का 15 जून को सड़क हादसे के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद से दौलत सिंह का पूरा परिवार काफी दुखित था। वह सोच रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे आने वाली युवा पीढ़ी को नयता मिले, जिसके बाद 25 जून को होने वाले 13वीं कार्यक्रम में दौलत सिंह के परिवार ने निर्णय लिया कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वह हेलमेट पहनाएंगे और पूरे परिवार ने वही किया। मृत्यु भोज की जगह उन्होंने लोगों को हेलमेट बांटे और दिव्यांगजन आत्मा को शांति मिले इसके लिए क्या नाम जन की जगह हेलमेट बांट के संकेत दिया कि ये जीवन अमूल्य है और इसको जीने के लिए बड़े सावधानी रख के दुर्घटनाओं से बच के गाड़ियाँ चलाना चाहिए और हमारी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगा के वाहन चलाना चाहिए। इसलिए ये कार्यक्रम जो दौलत ने रखा ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इससे एक जनमानस में एक जो मैसेज जाएगा उससे सबको ये प्रेरणा मिलेगी कि हम अपनी सुरक्षा, गाड़ी का तो बीमा होता है, मनुष्य का भी बीमा होता है, लेकिन गाड़ी का बीमा होने के बाद में उसके पुर्जे, उसके पार्ट सब चेंज हो जाते हैं, मनुष्य के अंदर से जो आत्मा निकल जाती है उसके बाद में दोबारा लौट के नहीं आती, उसके लिए क्या नाम से अपना एक जीवन है इसको अनमोल समझे और इसको बहुत सुरक्षित जीवन जिए तो ज़्यादा अच्छा।